हेलो एवरीवन आई एम आकाश कौर वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर का इस नया टॉपिक लेकर आए आप लोग लिए संक्रमण जिसे हम लोग क्या करें सिंपली हिंदी में इसको हम लोग सिंपली कहते हैं संक्रमण कहीं संक्रमण क्या होता है यानी कि इन्फेक्शन जिसे कह रहे हैं होता क्या है क्या संक्रमण का क्या कारण है और इसके कितने टाइप के होते हैं संक्रमण कितने प्रकार के होते हैं उसके क्लासिफिकेशन क्या होती है दोनों चीज़ें कहीं इसमें डिटेल से डिस्कस करूँगा हिंदी प्लस इंग्लिश में पूरा वीडियो देखना वीडियो को स्किप करने की जरूरत नहीं है सिंपली समझो जब बाहरी तत्व शरीर के अंदर वृद्धि करने लगे और लक्षण भी दिखाने लगे क्या बोल बोल रहा है क्वेश्चन में कि जब कोई बाहरी तत्व यानी कि फॉरेन पार्टिकल मेरी बॉडी के अंदर आएगा एक एक पॉइंट समझाऊंगा गाइस वीडियो को स्किप करना मत प्लीज ठीक है वृद्धि करे और वो लक्षण भी दिखाए यानी कि वो सिम्टम्स भी शो करेगा सिम्टम भी शो करेगा दिखाने लगे दि, दिखाई देने लगे तो इसे संक्रमण कहते हैं इंग्लिश में एक बार इसे समझ लीजिए वेन फॉरन पार्टिकल ग्रो इन साइड ऑफ बॉडी एंड प्रोड्यूसम्स विच इज कॉल्ड इन्फेक्शन सिंपल बात है जब भी कोई फॉरन पार्टिकल का मतलब क्या होता है जो बाहर से मेरी बॉडी के अंदर आता है एरुगेटिंग माई पॉइंट कि जो बाहर से अंदर आएगा उसे फॉरन पार्टिकल कहेंगे ठीक है फॉरेन पार्टिकल जब बॉडी के अंदर आता है कोई बाहरी तत्व तो बाहर से मेरी बॉडी के अंदर आता है तो वो इन्फेक्शन शो करता है ठीक है मीन्स वो हमारी बॉडी में वनमेट uh, वो हमारी बॉडी में संक्रमण दिखाने लगता है जैसे संक्रमण को वृद्धि करने लगता है सिम्टम्स शो करने लगता है उसे हम लोग इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं, गाइस नेक्स्ट लाइन देखिए यह तत्व जीवाणु विषाणु कवक या परजीवी हो सकते हैं, या तो वो बैक्टीरिया होंगे या वो वायरस होंगे या वो पैरासाइट हो सकते हैं ठीक है जो फॉरेन पार्टिकल मे बी बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट एंड मे बी फंगस वो यहां पे लिखा हुआ गाइज ने क्लियर कि जो यहां पे जो पॉइंट है ना ये वाला कि ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं फंगस भी हो सकते हैं और ये सिंपली आपको पैरासाइट भी हो सकते तो याद रखना गाइज इन्फेक्शन कौन कॉज करेगा संक्रमण कौन दिखाएगा मैंने लिखा हुआ गाइज यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने लिखा हो आपको कि इन्फेक्शन कि जो संक्रमण शो करेगा वो पैरासाइट हो सकता है बैक्टीरिया हो सकता है फंगस हो सकता है क्लियर हुआ गाइज आपको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं यहां से आगे बढ़ता हूं। फिर हम क्लासिफिकेशन करने वाले आगे बढ़ता हूं। के प्रकार कि जो क्लासिफिकेशन है ना किसके कितने प्रकार होते इस क्लासिफिकेशन अगर हम डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में आते संक्रमण में कई प्रकार के हो सकते बहुत सारे हो सकते हैं कौन कौन से हो सकते प्राथमिक संक्रमण प्राइमरी इन्फेक्शन प्राथमिक संक्रमण को इंग्लिश में प्राइमरी इंफेक्शन के नाम से जाना जाता है अब क्या होता है जब किसी व्यक्ति को प्रथम बार संक्रमण होता है जब कोई व्यक्ति प्रथम बार संक्रमण होता है अर्थात यदि किसी व्यक्ति को पहली बार इन्फेक्शन होता है तत्व बाहरी तत्व से आकर संक्रमण करता है तो उसे प्राथमिक इन्फेक्शन कहते समझना यदि कोई भी फॉरिन पार्टिकल है बैक्टीरिया है वायरस है पेरासाइट यदि बाहर से मेरी बॉडी के अंदर आ रहा है और मेरी बॉडी के अंदर वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है पहली बार तब उसे मैं कहूँगा प्राइमरी इन्फेक्शन वेन एनी ऑर्गेनिज्म इनफेक्ट हेल्थी पर्सन फर्स्ट टाइम देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी इन्फेक्शन फर्स्ट टाइम यदि कोई भी बैक्टीरिया हुआ कोई भी पैरासाइट हो, फर्स्ट टाइम यदि पहली बार मेरी बॉडी के अंदर आएगा तो उसे मैं प्राइमरी इन्फेक्शन के नाम से जानूंगा और कितने प्रकार के इन्फेक्शन हो सकते हैं आइए देखते हैं हम लोग द्वितीय संक्रमण द्वितीय संक्रमण मतलब सेकेंडरी इन्फेक्शन ये क्या होता है गाइस जब कोई व्यक्ति दूसरी बार एक ही प्रकार के बाहरी तत्व से संक्रमित होता है तब इस संक्रमण को द्वित्य संक्रमण के नाम से जानते हैं यदि कोई भी इंफेक्शन डबल से हुआ है जैसे कि आज मैं हूं मुझे टाइफॉइड हो गया एक साल में ठीक रहा अगेन में फिर से टाइफॉइड हो गया तो जब पहली बार मुझे टाइफॉइड हुआ था वो प्राइमरी इन्फेक्शन था प्राइमरी संक्रमण था और जो दूसरी बार हुआ है द्वितीय संक्रमण या सेकेंडरी इन्फेक्शन के नाम से उसे हम लोग जानते ई होप के आपको डाउट नहीं होने चाहिए गाइस वेन एनी पर्सन इंफेक्टेड सेकंड टाइम सेम फॉरिन पार्टिकल उसी फॉरिन पार्टिकल से देन इट इज कोल्ड सेकंड इन्फेक्शन क्लियर हुआ जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग स्क्रीन से आपको नोट्स बनाने में ईजी होता है ठीक है ना एक बार रिपीट कर देता तो, हूँ प्राथमिक संक्रमण यानी कि प्राइमरी इन्फेक्शन जो पहली बार वही इन्फेक्शन फिर से होता है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के नाम से उसे हम लोग जानते हैं मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं अब देखते एक्यूट संक्रमण या एक्यूट इन्फेक्शन किसे कहते हैं गाइस यदि कोई व्यक्ति तत्काल में किसी बीमारी से संक्रमित हुआ है तो इसे एक्यूट संक्रमण कहते हैं क्या बोलना है क्वेश्चन का मतलब समझना यदि कोई व्यक्ति कोई पर्सन है तत्काल में अभी अभी करंटली में किसी बीमारी जैसे कि टाइफॉइड हो गया जैसे कि डेंगू हो गया और क्या हो सकता है अभी अभी इन्फेक्शन हुआ है मलेरिया हो गया या अभी हुआ है क्या मैं बोलूँ कि नहीं यार मुझे कल कैंसर हो गया एक दिन में कैंसर नहीं होता गाइस तो मैं बात कर रहा हूँ जो मुझे अभी हुआ है करंट में हुआ है तत्काल में कोई संक्रमण हुआ है उसे मैं कहूँगा एक्यूट इन्फेक्शन क्लियर हुआ गाइस अब मैं बात करता हूँ क्रोनिक इन्फेक्शन क्रोनिक का मतलब क्या है क्रोनिक मतलब बहुत पुरानी बीमारी है आज का इन्फेक्शन नहीं है जैसे कि कैंसर मैं कह सकता हूँ कैंसर बहुत सालों से है टीबी बहुत सालों से कोई अभी तो नहीं मेरे को कली टीबी हुआ है ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया ऑलरेडी पहले बॉडी में आ चुका था पर उसने सिम्टम्स आज दिखाने लगा है तो इसे मैं क्रोनिक इंफेक्शन कहूंगा और और भी बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं गए जो कि हम लोग को दिखाई देने लगते आफ्टर सिम्टम्स ठीक है यदि कोई व्यक्ति बहुत समय से किसी बीमारी से संक्रमित है तब इस प्रकार के संक्रमण को हम लोग क्रोनिक संक्रमण कहते हैं इफ एनी पर्सन इंफेक्टेड फ्रॉम लॉन्ग टाइम देन इट इज कॉल्ड क्रोनिक इन्फेक्शन यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी पर्सन हो यदि वो लॉन्ग टाइम से पुराने समय से किसी चीज से संक्रमित हुआ है हुआ हो तब इस प्रकार के संक्रमण को हम लोग सिंपली नाम देते हैं क्रोनिक इन्फेक्शन आई होप आपको इतने में तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए क्लियर है नेक्स्ट ड्रॉपलेट संक्रमण कोरोना में बहुत हुआ है कोविड एक प्रकार का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन था कोरोना किस प्रकार का इन्फेक्शन था संक्रमण ही था ना किस प्रकार का संक्रमण था किस की प्रकार की महामारी थी ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट क्यों दो गज की दूरी जरूरी है हमारे लिए वो दो गज की दूरी क्यों क्योंकि हम लोग छींकते खांसते समय मुंह से छोटी छोटी पानी की बूंदें निकालते उसे ड्रॉप कहते हैं उसके द्वारा फैला गया इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहलाता है देखिए किसी व्यक्ति की चीखते या खासते समय मुंह के द्वारा कई छोटी छोटी बूंदें निकलती है इस बूंदों के द्वारा फैला गया इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहलाता है मैं चीखूंगा आज तो मेरे मुंह से क्या निकला छोटी छोटी बूंदें निकली खासते <coughs> खासते समय मुंह से छोटी छोटी बूंदे निकली पानी की और सामने यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल मुंह में ऐसे पास घुस के बात कर रहा है तो क्या होगा उससे ड्रॉपलेट ट्रांसफर होगा इसलिए दूर से बात करना क्यों क्योंकि उसके ड्रॉप हमारे माउथ में ट्रांसफर नहीं होने चाहिए एटलीस्ट बच्चों को भी हम ऐसे नहीं करना चाहिए कि हम लोग बच्चों को एकदम पास में घुसा के बात करें क्योंकि हमारा इंफेक्शन उनको हो सकता है हम ट्रांसफर कर सकते हैं तो याद रखना डिसीज ऐसे ही ट्रांसफर होती है और इस प्रकार के इन्फेक्शन को किस नाम से बुला रहे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एक बार इंग्लिश में पढ़ लो during the coughing uh, coughing person release many drop and this drop cause infection अदर पर्सन इट इज कॉल्ड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्लियर हुआ इसका स्क्रीन शॉट लो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, जल्दी जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बहुत बड़ा टॉपिक है गाइज मैं एक वीडियो में क्लियर कैसे करूँ, पर मैं कोशिश करूंगा गाइज पूरा आपको एक ही वीडियो में क्लियर करके दू बट हॉस्पिटल एक्वाइड इन्फेक्शन के नाम से एक टॉपिक और मैं बनाऊंगा जिसे नोजोकोमियल इन्फेक्शन में आपको डिस्क्राइब इन डिटेल करूंगा जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लिया होगा आप लोगों ने तो आगे बढ़ता क्रॉस इन्फेक्शन दूसरी क्लासिफिकेशन आती है गाइस क्रॉस अब ये क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है देखो यदि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती है और उस व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति बगल वाले बेड वाले से दूसरा संक्रमण हो तभी क्रॉस इन्फेक्शन क्रॉस समझ रहा है मैं बगल वाले पेट पे एडमिट हो एक बगल वाले यदि मुझे टाइफाइड हुआ है उसे टीबी हो उसका बैक्टीरिया मेरे अंदर घुस गया उसका इंफेक्शन मुझे हो गया तब वो इंफेक्शन वो इंफेक्शन कहलाता है गाइज क्रॉस इन्फेक्शन या क्रॉस संक्रमण ठीक है एनी पर्सन एडमिटेड इन हॉस्पिटल इफ ही इंफेक्टेड सम अदर इंफेक्शन देन इट इज कॉल्ड

इट इज ऑल्सो कॉल्ड हॉस्पिटल एक्वाय इन्फेक्शन ठीक है सामान्यतः नोजोकोमियल संक्रमण सबसे ज्यादा देखा जाता है ठीक है मेनली हॉस्पिटल नोजोकोमियल इन्फेक्शन आर मेनली इन क्यों

शरीर के अंदर कई प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं पर यह कई संक्रमण कोई संक्रमण नहीं करते समझना का इस ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंटोजीनस का मतलब मैं क्लियर करवा दूंगा आपको प्लीज़ यार आप थोड़ा सा आपका माइंड प्लीज बी अटेंशन चीज़ों को समझने की कोशिश करना शरीर में अंदर कई प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं मेरी बॉडी में भी बहुत सारे बैक्टीरिया है ठीक है परंतु यह कोई संक्रमण नहीं करते परंतु जब यह शरीर के दूसरे भागों में चले जाते हैं तब वहां पर यह संक्रमण करने लगते हैं तब इसे आंतरिक संक्रमण कहते हैं एक बार इंग्लिश में समझ लो फिर मैं हिंदी में इन साइड अ बॉडी प्रेजेंट मेनी ऑर्गेनिज्म बट दे नोट कोज इन्फेक्शन वेन दे सेपरेट टू अदर बॉडी पार्ट इट प्रोड्यूस इन्फेक्शन देन इट इज कॉल्ड एंडोजिनस इन्फेक्शन मेरे शरीर में मेरी इंटेस्टाइन में बहुत सारे इकोलाई बैक्टीरिया है पर वो मुझे नुकसान नहीं कर रहे पर वो इकोलाई कभी फैल गए तो हार्ट में चले गए तो लीवर में चले गए तो वहां पे वो इंफेक्शन शो करेंगे इंफेक्शन करेंगे पर वो इंटेस्टाइन में नहीं कर रहे इस प्रकार के इंफेक्शन को हम लोग कहते गाइस, एंडोजिनस इंफेक्शन मतलब मेरी बॉडी के बैक्टीरिया ने मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचा दिया पर दूसरे अंग में उसमें नहीं किसी और अंग में क्लियर है नेक्स्ट

इंफेक्शन अब दूसरे पे बात करते हैं स्क्रीनशॉट लो लो जल्दी स्क्रीनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ठीक है बाहरी संक्रमण यानी कि एक्जोजीनस इंफेक्शन क्या होता है इस प्रकार का संक्रमण किसी भी बाहरी तत्व के या जीवाणु अब एक्जोजीनस क्या है बैक्टीरिया घुस गया वायरस घुस गया पैरासाइट घुस गया और कोई इंफेक्शन घुस गया तो क्या हो गया मुझे एक्सोजीनस मतलब जो बाहरी तत्व बाहरी कारणों से मुझे इन्फेक्शन होता है उसे एक्जोजीनस इन्फेक्शन के नाम से मैं पुकारूंगा यह आपको समझ में आना चाहिए जल्दी जल्दी एग्जोजीनस का एक स्क्रीन शॉट ले लो एक्सोजीनस का एक स्क्रीन शॉट ले लो गाइस फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा जल्दी से नेक्स्ट आता है गाइस संक्रमण के घटक संक्रमण के घटक ड्रॉपलेट नहीं है गाइज ये थोड़ा सा गलती हुई है यहां पे संक्रमण के घटक संक्रमण के घटक का मतलब होता है कि कौन कौन से सोर्स ऑफ इंफेक्शन क्या है क्या क्या सोर्स हो सकते हैं सोर्स मतलब कहा, -कहा से इंफेक्शन फैल सकता है हमें कई प्रकार के घटक हो सकते हैं जो हमें नुकसान आपको इंफेक्शन हो, हो रहा है क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है वो मैं बताने वाला हूं मनुष्य ह्यूमन भैया मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन है जैसे कि मुझे कोई बीमारी है देखो भैया मैं एग्जाम्पल देता हूं मुझे कोई बीमारी नहीं सच्चा से पल इंसानों मुझे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है नहीं है पर मनुष्य मनुष्य ही मनुष्य को इन्फेक्शन फैलाता है जैसे कि भैया मनुष्य के द्वारा कई प्रकार के संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाए जा सकते हैं बाय ह्यूमन बींग सेपरेट अ मेनी इन्फेक्शन वन पर्सन टू अदर पर्सन ठीक है कैसे फैलाता है बताता हूँ जैसे example, कि एग्जाम्पल एच अच्छे से जानते होंगे एच क्या होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियसी वायरस मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना चाहिए कि आपको कहाँ से फैलेगा ठीक है बहुत सारे गलत मत समझो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं एच फैलने के तुम्हारे मन में एक ही बात आती है क्या कहाँ से फैलेगा देखो कोई अगर शेविंग बना रहा है इन्फेक्टेड ब्लेट है वहाँ से भी फैल सकता है और क्या हो सकता है ठीक है ड्रॉप लेट अभी बताया ड्रॉप के थ्रू भी फैल सकता है माउथ में माउथ के थ्रू भी फैल सकता है और माउथ किसिंग के थ्रू फैल सकता है ड्यूरिंग द सेक्स सेक्स के ड्यूरिंग फैल सकता है और भी अदर रीजन हो सकता है जिसके थ्रू वो ट्रांसफर हो सकता है गाइस तो एचआईवी ट्यूबरक्लोसिस टीबी भी फैलता है भैया ठीक है कैसे फैलता है अभी बताया मैंने आपको ह्यूमन से ह्यूमन में कैसे फैलेगा ठीक है हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस भी फैलता गाइस और लेप्रोसी भी फैलता गाइस तो ये कुछ रीजन है जो कि मन, मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य में जैसे कि कोरोना वायरस ने मैं कोरोना भी लिख दूंगा कोविड वायरस क्योंकि एक व्यक्ति से ही दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है ना भैया तो मनुष्य क्या हुए एक घटक हुए पालने वाले ठीक है मेरे बैक्टी मेरे शरीर में बैक्टीरिया पल रहा है वायरस पल रहा है मैंने किसी और को ट्रांसफर कर दिया उसने किसी और को ट्रांसफर कर दिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा फैलाया गया इन्फेक्शन ह्यूमन बींग इन्फेक्शन कहलाया था मनुष्य के द्वारा फैलाया गया और क्या घटक हो सकते बेला इसका स्क्रीन लो फिर आगे बढ़ जाता हूं मैं जल्दी जल्दी और क्या क्या घटक क्या क्या संक्रमण के क्या रीजन हो सकते जल्दी जल्दी स्क्रीन ले लिया होगा आपने मैं आगे बढ़ता हूँ जानवर एनिमल भैया एनिमल भी इन्फेक्शन फैलाते हैं कौन कौन सा कई प्रकार के संक्रमण जानवरों के द्वारा फैलाए जाते हैं मनुष्य में फैला दिए जाते हैं कई प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं मेनी इन्फेक्शन आर ट्रांसमिटेड बाय द एनिमल टू ह्यूमन बीइंग मनुष्य में फैल सकते हैं पशुओं के द्वारा कौन कौन से टाइफॉइड याद रखना गए पुराने जमाने में टाइफॉइड क्या होता था अभी भी गए जो पशु रहते हैं जानवर रहते हैं उनसे इन्फेक्शन हमारे अंदर फैलता है ठीक है एग्जाम्पल जैसे कि रेबिस रेबिस पता है कुत्ता काट लेता है। जरूर ये याद रखना कुत्ते के काटने से ही रेबिस नहीं होता गाइस बिल्ली काटेगी तो भी रेबिस हो सकता है ठीक है चूहा काटेगा का तो भी रेबिस हो सकता है क्योंकि उनके माउथ के गट में रेबिस पाया जाता है ठीक है तो ऐसा हो सकता है ठीक है तो कुछ कारण है रेबिस टाइफॉइड जैसे ये बीमारी है जो कि फैल सकती है कहाँ से जानवरों से मनुष्यों के अंदर स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं और घटक बता देता हूँ इन्फेक्शन के और क्या क्या रीजन हो सकते हैं आगे बढ़ता हूँ कीड़े इंसेक्ट छोटे छोटे कीड़े रहते हैं जैसे कि एनाफीलिया मॉस्किटो जो मलेरिया फैलाती है मच्छर से मच्छर काट लिया मच्छर ने हमें काट लिया हमें ने उसने काट लिया तो वो फैलाती है ठीक है कई छोटे छोटे कीड़े भी संक्रमण कर सकते हैं मच्छर एनाफिलिया मॉस्किटो कीड़ा ही है एक प्रकार का ठीक है मेनी इंसेक्ट ट्रांसफर इन्फेक्शन टू ह्यूमन बींग ठीक है वो ह्यूमन बींग को इन्फेक्शन करेगा एग्जाम्पल जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं मलेरिया मलेरिया डेंगू जो कि मच्छर से ही फैलता है गाइस मच्छर से डेंगू फैलता है मलेरिया डेंगू से फैलता है और भी होता है गाइज लिश्मानिया भी एक सैंडफ्लाई कीड़ा होता है मच्छर वो होता है मक्खी होती है जिससे फैलता है तो वो भी कीड़े में ही आता है गाइज ठीक है वातावरण अब देखो गाइज ये तो कीड़े इन्फेक्ट से फैल सकता।, सकता है और कहाँ कहाँ से फैल सकता है इन्फेक्शन डेंगू सॉरी वातावरण यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं जिनसे इन्फेक्शन फैलता है कौन कौन से वातावरण में उपस्थित कई प्रकार के तत्व होते हैं जो कि संक्रमण फैलाते हैं जैसे कि पानी मिट्टी और हवा हवा से भी कोई संक्रमण फैलता है मिट्टी से भी फैलता है और मिट्टी से पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर आ गया हमें संक्रमण हो गया हवा हवा से भी इन्फेक्शन हो सकता है गाइज हमें ठीक है ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है मैन इन्वायरमेंटल फैक्टर कैन कोस इन्फेक्शन इज एयर सॉइल एंड वाटर पानी पीने से इकोलाई हो गया पानी में इक्लाई बैक्टीरिया होता है आपको पता होना चाहिए इसका जल्दी से स्क्रीन ले लो फिर मैं ऐसे से आगे बढ़ता हूं ठीक नेक्स है नेक्स्ट है मिनट संक्रमण से बचाओ प्रिवेंशन आप कैसे प्रिवेंट हो सकते हो बच कैसे सकते हो एसेप्टिक प्रक्रिया एसेप्टिक टेक्निक होती है क्या होती है एसेप्टिक टेक्निक नर्सिंग स्टाफ को समझना बहुत जरूरी है अगर आप नर्सिंग स्टाफ हो तो और भी स्टूडेंट हो तो सबको समझना जरूरी है देखो ऐसा मत बोलना पर मैं मेनली फोकस कर रहा हूँ नर्सिंग को कि उनको ध्यान रखना चाहिए हॉस्पिटल में एसेप्टिक प्रक्रिया का अर्थ होता है कि हॉस्पिटल में सभी प्रकार के सामान मशीन साफ सुथरे करके इस्तेमाल करने चाहिए ठीक है इन इनसाइड ऑफ हॉस्पिटल ऑल इंस्ट्रूमेंट मशीन शुड बी स्टेलाइज का मतलब होता है उसे साफ सुथरा रखना स्टेलाइज करके रखना और उसी को हमें यूज करना चाहिए फॉर दी एनी ट्रीटमेंट जो पेशेंट को यूज करते कोई भी इंस्ट्रूमेंट हुआ नेक्स्ट आइसोलेशन प्रक्रिया अग आइसोलेशन रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी देखो हॉस्पिटल में सभी स्टाफ को अलग अलग ग्लव्स पहनने चाहिए और अलग अलग मरीजों के लिए अलग अलग प्रकार के ग्लव्स को इस्तेमाल करना चाहिए इन साइड अफ हॉल्स हॉस्पिटल ऑल पेशेंट शुड बी सेपरेटेड एंड डिफरेंट ग्लव्स देखो मरीजों को भी अलग रखना यदि कोई एक मरीज़ को टीबी है तो उसको अलग कर दो भाई थोड़ा तो टीबी तो डिपार्टमेंट अलग कर दो आइसोलेट कर दो आइसोलेशन आपने पढ़ा होगा आइसोलेट मतलब क्वारंटाइन क्वारंटाइन का मतलब समझ में आता है आइसोलेट कर दिया सेपरेट कर दिया एक कमरे में पिक कर दिया वही मतलब है ठीक है और हमें ग्लव्स प्रॉपरली आइसोलेट रखना चाहिए प्रॉपरली हमें जैसे टीबी के पेशेंट के पास गए तो अलग ग्लव्स तुरंत निकाल के डिस्कार्ड करो फिर दूसरे पेशेंट के पास गए तो तुरंत निकाल के डिस्कर्स करो इस टाइप से ठीक इसका स्क्रीन ले लो फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ जाता हूँ फ्यूमिगेशन गाइस एक फ्यूमिगेशन टेक्निक होती धुआ धुआं निकलता अगर आपने देखा होगा आज सर्च करो यूट्यूब पे जाके फ्यूमिगेशन क्या होता है वहां से समझना हॉस्पिटल में सभी कमरे ऑपरेशन थिएटर के अंदर समय समय पर फ्यूमिगेशन करवाना चाहिए फ्यूमिगेशन में कुछ केमिकल रहते हैं जिसके थ्रू स्टेलाइज करते हैं हम लोग इन ऑफ हॉस्पिटल ऑल ऑपरेशन थिएटर वगैरह शुड भी फ्यूमिगेटेड प्रॉपरली फ्यूमिगेट करना चाहिए बायोलॉजिकल वेस्ट देखो गाइज ये बेसिक से टॉपिक है बायोलॉजिकल वेस्ट को सही ढंग से डिस्कार्ड करना चाहिए ये भी आपको याद होना चाहिए उसके अलावा इस्टलाइज की प्रक्रिया होती है मेरी वीडियो में जाके देख लो चैनल में आपको मिल जाएगा स्टेलाइजेशन भी प्रॉपरली इंस्ट्रूमेंट को करना चाहिए ठीक है आई होप कि आपको यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन समझ में आएगी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जल्दी आएगी उसको इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉस मिला तो मैं नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली अपलोड करने वाला हूँ हॉस्पिटल एक्वायर्ड यानी कि इन्फेक्शनियल इन्फेक्शन क्या होता है थैंक यू फॉर वॉचिंग ये आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर